कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया। वहीं रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडी नामकुम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी के बारे में वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी जी कहती थी, दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृति आदिवासियों की है, जो प्रकृति की पूजा है और हर तरह से इसकी सुरक्षा करती है। आज रांची में लोक संस्कृति के कई रंग देखने को मिले हैं। रांची से दान सिन्हा की रिपोर्ट। इस देश में 97% मीडिया की कंपनी बड़े बड़े खरबपतियों की है, इसलिए हम लोग टीवी चलाते हैं, यही दिखता है कि वाह 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 वाह, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मोदी जी ने वो काम कर डाले हैं जो किसी ने नहीं किए, हाईवे शुरू किए कांग्रेस पार्टी ने, उद्घाटन कर रहे मोदी जी, उस पे मोदी जी का नाम, हर चीज आधी चीजें, ये जो राशन मिलता है आपको 5 किलो, समझ लीजिए इसकी गहराई, समझिए इसकी गहराई, समझिए ये 5 किलो राशन देना मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भोजन का अधिकार लाई थी आपके लिए। भोजन का अधिकार का मतलब है कि हर गरीब परिवार को कोई भी सरकार आए जाए उसको राशन देना पड़ेगा, इसीलिए मोदी जी से आपको राशन मिलता है, उनकी मजबूरी है, कानूनी अधिकार है आपका। अपनी फोटो चेप ली, ये मीडिया वालों ने कह दिया कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, सबसे बड़ी मोदी जी की स्कीम है, लो देखो। और हम सब मान गए, क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं हमें लगता है कि सच ही होगा, है कि नहीं? लेकिन समझ लीजिए, आज जो टीवी में दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज इस देश की सच्चाई ये है कि बड़े बड़े खरबपति, वो भी सारे नहीं 22, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस देश का गरीब, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का अधिकारी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का जवान पीछे होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, शहीद हो जाओगे तो फिक्र मत करो, पेंशन नहीं मिलेगा शहादत के लिए, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वापस घर जाना होगा 4 साल बाद सेना में भर्ती होके, तो बेरोजगार हो जाओगे, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। ये है इनकी स्कीम बेरोजगारी के खिलाफ को सुलझाने के लिए, ये है इनकी स्कीम। तो या तो आप गहराई में समझ लीजिए, ये देश देखिए बहुत विविध देश है, इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति के लोग रहते हैं। अब चुनावी मंच पर आके सारे नेता आपको ये 3 शब्द तो बोलते होंगे जरूर, जल जंगल जमीन, मोदी जी भी बोलेंगे आएंगे तो, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्या ये समझते हैं? इनकी नीतियों में दिख रहा है? नहीं दिखता। जहां मौका मिला है वहां बड़े बड़े खरबपतियों की को आपकी जल, आपके जमीन और आपके जंगल सौंप दिए हैं, आपके अधिकार सौंपने जा रहे हैं। संविधान को बदलने की बात करते हैं, वही संविधान जो आपको बचा के रखता है, जो आपकी संस्कृति को बचाता है, जो आपके धर्म को बचाता है, वही संविधान बदलने चले हैं, जो आपके आरक्षण को बचाता है, आपके अधिकार को बचाता है। कल को आंदोलन भी नहीं करने कर सकोगे आप? मैंने खुद देखा है जहां इनके प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देखिए, महिलाओं ने एक आंदोलन किया, अध्यापक थी वो, आंदोलन किया कि हमारा वेतन बढ़ाओ, उनको पीटा गया, उन पे रासू का कानून डाल के उनको जेल में डाल दिया कि देशद्रोही हो तुम। तो क्या ये चाहते हैं हम पूरे देश में? गहराई से जो इन चीजों को समझता है वो सिर्फ चुनाव के समय अपने मुंह से ये नहीं बोलता। अगर जल जंगल जमीन के प्रति आदर है, आपकी संस्कृति के प्रति आदर है, तो इंदिरा गांधी को देखिए, मैं उनकी पोती हूं,
मुझे रात को जब सुनाती थी तो तुम तो मुझे समझाती थी, आदिवासियों की कहानियां बताती थी, बड़े बड़े आदिवासी नेताओं के बारे में बताती थी कि कैसे ये जो हमारी मूल हमारा मूल समाज है वो आप ही से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जी को देखो, जिन्होंने आपको पट्टे दिए, जिन्होंने आपको अधिकार दिए, जिन्होंने संविधान में आपके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। तो जब नेता गहरा होता है तो सिर्फ मंच पर खड़े होकर बोलता नहीं है, वो गहरी नीतियां बनाता है आपकी भलाई के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी राजनीति चाहते हैं आप, या फिर आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जो आप टीवी पे देखें कि सब अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में ना उतरे, आपका जीवन वही का वही, आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, आपका यहाँ ATC है, कितने संकट में है, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप किसी मीडिया वाले से पूछेंगे सब कहेंगे कि भाई देश की तो बहुत तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था तो बहुत मजबूत हो रही है, यहाँ तो सब खुशहाल हैं, आदिवासी खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई आप जी रहे हो तो जाग जाओ, आपकी जागरूकता ही इस लोकतंत्र को बचा सकती है, आपकी जागरूकता ही इस संविधान को बचा सकती है। और आज इस देश में सबसे बड़ा आक्रमण आपकी जागरूकता पे है। मैं आपको ये नहीं कहने आई हूं कि वोट दो, मैं ये कहने आई हूं कि जागरूक बनो। अगर आज मैं आपको कांग्रेस पार्टी की गारंटी गिना दूंगी, मैं बता दूंगी, और मैं आपको ये भी कह सकती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया इस देश में, IIM, ITI, ISRO, DRDO, अपना आपका ATC कुछ भी ले लीजिए, कहीं भी देखिए, बड़े बड़े हाईवे सब कांग्रेस पार्टी ने किए, सब बनाए। इन्होंने कितने IIT बनाए, कितने IIM बनाए, कितने बनाए, जो कितने एम्स बनाए। तो मैं आपको अभी गिनाऊंगी कि हमारे गारंटी क्या है, मैं आपको इसका प्रमाण भी देती हूं कि ये हमारी गारंटी है और हमने इन प्रदेशों में इनको लागू किया है, ताकि आप देखें, जागरूक बने। मैं कह रही हूं, राजस्थान में 25 लाख का हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया, स्वास्थ्य बीमा, 25 लाख तक सबका इलाज मुफ्त था। पता करिए सच बोल रही है कि नहीं, फोन लगाइए किसी को राजस्थान में, पता करिए ये सच है कि वहां पे जो कांग्रेस की सरकार थी उस दोनों ने ऐसा किया। कर्नाटका में महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए हर महीने जा रहे हैं, फोन करके पता करिए, कर्नाटका में कोई साथी है, पता करिए क्या ये प्रियंका गांधी जो बोल के गई है वो सच है कि नहीं है। जब पता चलेगा कि हाँ ये वाकई सच है तो अपना वोट दीजिए। हमारी गारंटी ये है, सुन लीजिए, नौजवानों के लिए, जो स्नातक पास नौजवान हैं उनके लिए जो पहली नौकरी है बड़े बड़े सरकारी कारोबारों में, वो मिलेगी 1,00,000 रुपए सालाना बनेंगे, आप अपना हुनर बनाओगे, हुनर बनाने के बाद पहली नौकरी मिलेगी, हुनर बनाओगे उसके बाद स्थायी नौकरी मिलेगी। तो ये जो पहले साल की जो सालाना 1,00,000 रुपए आप बनाओगे उस पहली नौकरी का, वो गारंटी है। दूसरा, आपकी जो फी, आप जो लोन लेते हैं शिक्षा के लिए, सारे शिक्षा के लोन माफ करेंगे, पेपर लीक होते हैं, परेशान हैं आप इस समस्या से, पेपर लीक के लिए हम सख्त से सख्त कानून लाएंगे, ताकि कोई भी इसमें घोटाला करने की कोशिश करे या पेपर लीक करे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मोदी जी के देश में, मोदी जी के भारत में 30 लाख पद खाली हैं, आज उनकी सरकार ने रखे हैं। आप बेरोजगार हो, पद खाली पड़ा है आपके लिए, लेकिन दिया नहीं है आपको। यह है मोदी जी का विकास। हम कह रहे हैं कि ये 30 लाख पद हम भरेंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि जितने भी खेती के सामान हैं उन पे GST हटा देंगे, ताकि वो सस्ते हो जाएं।
आपका कानूनी अधिकार बनेगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा, जैसे भोजन के अधिकार में आपको मिलता है, उस तरह से किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बनेगा। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब जब आप संकट में हैं, कर्ज के लिए आपको मदद चाहिए, आप उस आयोग में जाके ले पाएंगे। बहनों, आपके लिए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने सरकार डालेगी। 1,00,000 रुपए सालाना हर गरीब परिवार में सरकार दिलवाएगी। जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील की बहनें हैं, आपके लिए जो आपके मानदेय हैं वो दुगने किए जाएंगे। सारे सरकारी पद जो हैं उनमें 50% महिलाओं को दिए जाएंगे। पहले के आरक्षणों के तहत हम आरक्षण का कैप हटा देंगे और हम जाति जनगणना करेंगे देश में, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन कितने लोग हैं और किस तरह से की सुविधाएं, किसकी जरूरतें हैं। आज मजदूरों का शोषण होता है, कोई भी ठेकेदार आपको कितनी भी मजदूरी दे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कानून बनाएंगे, 400 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा। हम गांव में मनरेगा लाए थे, गांव में हमने ये 100 दिन का पक्का रोजगार हमने तय किया था, कानून बनाया था। इसी तरह से हम शहर में भी यही कानून लाएंगे, शहरी मनरेगा बनाएंगे और गांव के मनरेगा को मजबूत करेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार है वहां वहां हम काम करके आज के दिन भी दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कर्नाटका तेलंगाना में महिलाओं के खातों में आज भी पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान में 25,00,000 की हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब स्वास्थ्य बीमा हम दे रहे थे, तो हम प्रमाण दे रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखिए, तभी अपना वोट डालिए। हम आपके लिए, इस देश के लिए एक ऐसी राजनीति वापस लाना चाहते हैं जो आपके प्रति जवाबदेह हो। तानाशाही से किसी का भला नहीं होता। आपको कल आंदोलन करना है, आवाज उठानी है, सवाल उठाना है, वो स्वतंत्रता आपको लोकतंत्र और संविधान ने दी है। हम बिल्कुल किसी को नहीं रोकेंगे, कभी नहीं रोका है कांग्रेस पार्टी ने। आपने हमेशा जो भी आपके विचार हैं उनको व्यक्त किया, जो भी आपको मांगना था आपने मांगा खुल के, यही संविधान की खासियत है। नहीं तो आज हम, हमारे देश में और जो आसपास के देश हैं उनमें फर्क क्या होता। पाकिस्तान को देखिए, अन्य देशों को देखिए, वो यहां तक आ ही नहीं पाए जहां भारत आया। और भारत क्यों आया इतनी दूर, इतना मजबूत क्यों बना? क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है, क्योंकि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के, हर संस्कृति के, हर अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग खुशी से रहते हैं। अगर हमारा लोकतंत्र नहीं होता, यहां तानाशाही होती, तो हम भी उनकी तरह बहुत पहले खत्म हो जाते, कमजोर हो जाते। आज यही हमारे देश की खासियत है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, आप हो। तो आप जागरूक बनिए, अपनी शक्ति को समझिए। ये जो वोट देने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को दीजिए। हम सब इकट्ठे क्यों लड़ रहे हैं? हम इकट्ठे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए अनेक पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो आप भी जागरूक हो जाइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, क्योंकि अंत में ये देश आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम नेता कितना भी चीखे चिल्लाए, लेकिन अंत में ये देश आपका है। आपके पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने बहाया है, आप जानते हैं।
तो ये देश आपका है, इसको संभालना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हम आपके लिए दिन रात समर्पित हैं, हम इस देश के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए समर्पित हैं। आज नहीं आने देंगे, चाहे मोदी जी हो या चाहे कोई भी आए, लेकिन हम इस देश के संविधान पर आज नहीं आने देंगे। इस देश को लोकतंत्र को हम दुर्बल नहीं होने देंगे। यही सब बातें आपसे कहनी थी, आप सबने बहुत ध्यान से सुनी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो प्रत्याशी हैं, एक महिला है और 27 साल की है, सॉरी आई सेड योर एज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और नौजवान महिला है। और ये देख के मुझे हमेशा गर्व होता है जब मेरी एक बहन खड़ी हो जाती है और संविधान के लिए लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।